Hey guys, thank you for watching me. I am Pranjal. Welcome back to another video in which we will discuss about revised syllabus of biology CBSE 2021 board exams. जिसमें यहाँ पर जो मैंने टॉपिक्स लिखे हुए वो सारे डिलीटेड है. इसके अलावा जो भी टॉपिक्स होंगे वो आपके रिवाइज सिलेबस में होंगे. तो क्लास 11 का जो हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 में जो चैप्टर 1 है द लिविंग वर्ल्ड, उसमें सब कुछ है, सिर्फ टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स को रिमूव किया है. उसके पहले का सब कुछ होगा. और जो टूल्स है, हर्बेरियम, म्यूजियम वगैरह, जूलॉजिकल पार्क्स, वो जो टूल्स दिए हुए हैं वो सारे रिमूव किए गए हैं और टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स को रिमूव किया गया है. उसके पहले का सब कुछ होगा. और चैप्टर 3 जो है यूनिट 1 का, उसमें एंजियोस्पर्मी पूरा रिमूव कर दिया गया है. थैंक गॉड पूरा रिमूव कर दिया गया है, जिसमें एग्जाम्पल्स आपको लर्न नहीं करने होंगे, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स उसके लर्न नहीं करने होंगे. आई नो एंजियोस्पर्म ये तो सबका कहना होगा कि पूरा यूनिट ही रिमूव कर दो, बट वैसा कुछ नहीं किया है. यूनिट 2 जो है उसमें चैप्टर 5 में मॉर्फोलॉजी और मॉडिफिकेशन, रूट, स्टेम, फ्रूट एंड सीड के पूरे रिमूव कर दिए गए. सिर्फ फ्लावर की मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन सब कुछ होगा, सिर्फ फ्लावर का. रूट, स्टेम, फ्रूट्स एंड सीड्स का नहीं होगा, सिर्फ फ्लावर का होगा. और फैबेशी फैमिली रिमूव कर दी गई है, सोलानेशी एंड लिलिएशी फैमिली रहेगी. चैप्टर 6 में पूरा रिमूव कर दिया गया है एनाटॉमी का. और चैप्टर 7 जो है उसमें जो कॉकरोच, इंसेक्ट्स वगैरह था वो सारा रिमूव कर दिया गया है. उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम सब कुछ रिमूव किया गया है. सिर्फ और सिर्फ एनिमल टिश्यू जो है वो है रिवाइज सिलेबस में, बाकी इंसेक्ट का सारा कुछ रिमूव कर दिया गया है, फ्रॉग वगैरह सब. और जो यूनिट 3 है वो पूरा का पूरा रिवाइज सिलेबस में है, वो डिलीटेड नहीं है. फिर आते हैं हम यूनिट 4 पे, जिसमें 11th और 12th चैप्टर फुल्ली रिमूव कर दिया गया है. ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर और मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर फुल टू रिमूव कर दिया गया है. और जो 15th वाला चैप्टर है वो भी पूरा रिमूव कर दिया गया है. इसमें सिर्फ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होगा. जो वर्नालिज्म है, फोटोपीरियडिज्म है, वो सारा कुछ रिमूव कर दिया गया है. उसके पहले का सारा कुछ रिमूव कर दिया गया है. रिवाइज सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स PGRs होंगे. उसमें का बाकी सारा कुछ रिमूव कर दिया गया है 15 चैप्टर से. सिर्फ और सिर्फ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का टॉपिक होगा. यूनिट 5 में जो है 16th चैप्टर फुल्ली रिमूव कर दिया गया है. 17, 18, 19 ये तीनों चैप्टर फुल्ली रिवाइज सिलेबस में है. और जो 20th वाला चैप्टर है उसमें जॉइंट्स और डिसऑर्डर्स को रिमूव कर दिया गया है. बाकी का जो सारा है कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म तक, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स फिर कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म तक पूरा रिवाइज सिलेबस में रहेगा. और जो जॉइंट्स वाला पार्ट था और डिसऑर्डर्स वाला पार्ट था लास्ट में, उसे रिमूव कर दिया गया है. सो ये है क्लास 11th का डिलीटेड सिलेबस. इसके अलावा जो भी है वो सारा कुछ रिवाइज सिलेबस में है. और यहाँ पर जो 15th वाला चैप्टर है उसमें सिर्फ और सिर्फ PGRs जो है वो रिवाइज्ड में है, बाकी सारा रिमूव है. सो ऑल द बेस्ट, आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.